प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए विपक्ष छोटा से छोटा मुद्दा हाथ से नहीं जाने देता। ऐसे में 11,000 करोड़ से ज्यादा का पीएनबी घोटाला उजागर होने के बाद विपक्ष चुप रहेगा, ये उम्मीद तो शायद बीजेपी भी नहीं कर रही होगी। कांग्रेस ने सभी भगौड़ों के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए तंज किया कि चौकीदार सो गया, चोर खो गया। सोशल मीडिया फिर मोदीमय हो गया है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में मोदी का नाम शामिल हो गया है। नीरव मोदी के बहाने निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे घपलेबाजों की भी कांग्रेस ने लिस्ट तैयार कर रखी है। विपक्ष गड़े मुर्दे भी उखाड़ने में जुट गया है। आइए जानते हैं उन 4 भगौड़ों के बारे में जो मोदी सरकार की बदनामी की वजह बन रहे हैं। नीरव मोदी पीएनबी बैंक को 11,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर देश से भागने वाले ज्वेलरी कारोबारी हैं नीरव मोदी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वो 2016 में ही भारत से भागना चाहता था, लेकिन नोटबंदी ने उसका गेम बिगाड़ दिया। जांच एजेंसियों के हवाले से आ रही रिपोर्ट की माने तो नीरव ने कई कंपनियों में फर्जी निवेश दिखाया और इस बड़े घोटाले का सूत्रधार बना। मेहुल चौकसी। नीरव मोदी के साथ उसके कारोबारी सहयोगी मेहुल चौकसी का नाम भी सामने आ रहा है। मेहुल ने अपने करीबी रिश्तेदार हीरा कारोबारी नीरव मोदी और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। इन आरोपों के बाद बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही वो भी देश से फरार हो गया। ललित मोदी। आईपीएल के पूर्व आयुक्त और कारोबारी ललित मोदी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देश से फरार चल रहे हैं। मोदी पर 2010 में आईपीएल में भ्रष्टाचार और 125 करोड़ का कमीशन लेने का आरोप लगा। इन आरोपों के बाद मोदी को 2010 में आईपीएल कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। उसी साल वो देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गए। विजय माल्या। देश के कई बैंकों से करीब 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज वापस नहीं करने के मामले में अदालती कार्रवाई के बाद माल्या देश से फरार हो गया। 2016 से माल्या इंग्लैंड में है, लेकिन भारत सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उसे वापस नहीं लाया जा सका है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करने वाले, न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी के लिए ये भगौड़े गले की फांस बन गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को मोदी सरकार के सबसे बड़े यूएसपी पर चोट करने का बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष को उम्मीद है कि मोदी के लिए 2019 में सत्ता की राह मुश्किल बनाने में इन भगौड़ों के भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी मददगार साबित हो सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।